हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज सुबह हमें चक्राता में, जैसे कि आपको बताया था हमने, रात हम पहुंचे थे और ये हमारा होटल था, होटल आशियाना, जहां हम रुके थे। और बहुत ही कंफर्टेबल स्टे था यहां और प्राइस भी बहुत जेन्यून थे। और ये सारी चक्राता की मार्केट है। अभी हम और भी एक्सप्लोर कराते हैं आपको। अभी मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम चक्राता। कोई इन्फॉर्मेटिव पर नए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बने रहिए। आगे दिखाते हैं आपको चक्राता उत्तराखंड। भाई चक्राता में टाइगर फॉल्स के पास नाश्ता खूबसूरत। ये अदीप का नाश्ता है। बहुत ही बढ़िया अचार भी है लहसुन का, दिखाते हैं। तो दोस्तों आज सुबह हम निकले चक्राता से। कल हमने आपको चक्राता दिखाया था और हम वहाँ पे भी आज सुबह उठे, मार्केट देखी और आपको विजुअल भी दिखाए। और अब हम जा रहे हैं टाइगर फॉल्स। टाइगर फॉल जाते समय हम कर रहे हैं नाश्ता और आज का दिन है। हम टाइगर फॉल जाएंगे, फिर वापस चक्राता जाएंगे, फिर वहाँ से मसूरी जाएंगे, क्योंकि कल करनी है हमें ड्यूटी, वापस जाना है अपने काम पे। तो आज का दिन पूरे हम मस्ती करेंगे, घूमेंगे, शाम को पहुँचेंगे। तो पूरे ब्लॉग में आप बने रहिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा आपस में। अगर आप पहले कभी घूमे हैं टाइगर फॉल या चक्राता तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पीछे का नज़ारा तो बहुत ही अमेजिंग है। दीप भी हमारे साथ यहाँ नाश्ता कर रहा है। मिलते हैं आपको, थैंक यू। तो दोस्तों इन खूबसूरत वादियों में नाश्ता करने के बाद हम चल दिए टाइगर फॉल की तरफ। टाइगर फॉल्स चक्राता से बेहद ही करीब है और 20 से 22 किलोमीटर की राइड में आप टाइगर फॉल पहुंच जाते हैं। यहाँ पे अलग ही अनुभव आपको मिलने वाला है। यदि आप चक्राता आते हैं तो टाइगर फॉल्स देखना ना भूलें। ये यहाँ की मस्त गो प्लेस है और जो भी चक्राता आता है वो टाइगर फॉल ज़रूर जाता है। फिर हमने भी अपनी बुलेट उठाई और चक्राता से टाइगर फॉल की तरफ चल दिए। यहाँ जाने के समय में आपको बहुत खूबसूरत तरह की सीनरी मिलती है और ख़ास तौर पर यहाँ के पहाड़ों की जो बनावट है बहुत ही अलग है। थोड़ी थोड़ी दूर में वो चेंज हो जाती है और धूप के साथ हम अपने इस सफ़र को शुरू करा। कहीं कहीं बीच में थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी हमें मिल रही थी। तो ये बहुत ही अच्छी रोड यहाँ पे है और साथ साथ हिमालय का भी दर्शन यहाँ पे लगातार धूप की किरणों में हो रहा था। तो बहुत खूबसूरत हिमालय की रेंजेस यहाँ से देखी जा सकती थी और खुला हुआ मौसम होने के कारण ये हमारा सफ़र और भी सुहावना होता जा रहा था। तो दोस्तों अगर आप चक्राता आते हैं तो मस्त को आप एक दिन का प्लान टाइगर फॉल्स का भी ज़रूर बनाइएगा। हमने भी इसलिए यहाँ के लोकल से पूछा था कि टाइगर फॉल्स कैसा है, तो उन्होंने कहा काफ़ी अच्छा है और वहाँ पे हमने क्या ज़रूर जाना चाहिए, इसलिए हम आज आपको लेके चल रहे हैं वहाँ पे। और जब तक आप ये सीनिक ब्यूटी इन्जॉय करिए तब तक हम आपको आगे लेके चलते हैं। पहुँच चुके हैं टाइगर फॉल की पार्किंग में। बुलेट हमने यहाँ पार्क कर दी है और अब हम जा रहे हैं चक्राता से आए टाइगर फॉल। ये करीब यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर है और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अब यहाँ से 100-200 मीटर का ट्रैक है, हम जा रहे हैं टाइगर फॉल की तरफ। ज़्यादा कठिन ट्रैक नहीं है, बेसिक ट्रैक है। और आइए रखते हैं टाइगर फॉल।
शराब पीना मना है, पकड़े जाने पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे, जुर्माना 1 वर्ष की और 1 साल की सजा। अच्छा ये है भाई, ये टाइगर फॉल का काफी तेज बह रहा है, मस्त लग रहा है। आइए नजदीक से दिखा दो। गर्मियों में मजा आएगा ना? हाँ गर्मियों में मजा आएगा नहाने का। वो बन रही है नीचे। ये है कुछ नजारा दोस्तों, तो ये है कुछ खूबसूरत और दुर्लभ नेचुरल वाटरफॉल टाइगर वाटरफॉल। मैं इसके बारे में आपको एक ख़ास बात बताना चाहूँगा, शायद वो आपको कोई और ना बताए। यहाँ के एक लोकल हैं जिन्होंने मुझे ये बात बताई थी। बहुत से लोग सोचते हैं इसे टाइगर फॉल क्यों कहा जाता है, हम भी ये सोच रहे थे इसे टाइगर फॉल क्यों कहा जाता है। तो इसके बारे में ये बताया गया, जो इसके पानी गिरने की आवाज़ आती है, जो झरना गिरता है काफ़ी ऊपर से कम 50-60 फुट ऊपर से गिरता है और बहुत तेज़ गिरता है, तो इसके पानी गिरने की आवाज़ जो होती है नीचे, वो एक टाइगर के रोर की आवाज़ से मैच करती है। जैसे टाइगर आपका जो टाइगर जब आपका अपने दहाड़ता है, उस तरीके की आवाज़ फॉर्म होती है, और रात को तो ये वैसे ही सेम लगती है, इसलिए इसको टाइगर फॉल कहा जाता है। इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, पूरी कम से कम 50-60 फुट की ऊँची हाइट से और रंग बिरंगे पेड़ों से, और जब ये गिरता है नीचे रेनबो फॉर्म होता है, बहुत ही खूबसूरत सा रेनबो फॉर्म होता है। ये कुछ क्लिक्स हैं, आप इन्हें एंजॉय करिए। ब्लॉग को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दूसरों को ज़रूर शेयर करिएगा जिन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू। तो ये था टाइगर वाटरफॉल, बेहद ही खूबसूरत। तो होप यू एंजॉय द ब्लॉग और टाइगर ब्लॉग ऑल्सो। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, और ऐसी खूबसूरती वह कोई अनुपम आपके लाता रहेगा।